फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी, जो कि पुणे में हम यहाँ पे है, जो कि बहुत फेमस है और यहाँ की जो शेवगांव कचौरी है वो बहुत फेमस है। सो आप जब भी यहाँ पर आए शेवगांव कचौरी ट्राई करें। पर पीस 20 रुपीज़ का है और इसकी फिलिंग में आपको कुछ इस तरह की फिलिंग दिख जाएगी। इसके बाद हम बहुत सारी फूड की प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गो। सो गाइस, शेगांव कचौरी जो है वो बहुत फेमस कचौरी है पूरे महाराष्ट्र की, और आपको महाराष्ट्र के काफ़ी सारे सिटीज़ में जैसे कि पुणे, मुंबई, नागपुर, अकोला, काफ़ी सारी जो सिटीज़ है उसमें आपको इसकी ब्रांचेस देखने मिल जाएगी। इसके पीछे कहानी है कि इसका नाम शेगांव कचौरी क्यों रखा गया। तो शेगांव जो है एक सिटी का नाम है और उस सिटी की कचौरियाँ जो है वो बहुत टेस्टी और फेमस है महाराष्ट्र की, और उस सिटी के नाम पर ही जो है इस पर्टिकुलर शॉप का नाम रखा हुआ है और इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर महाराष्ट्र में है। अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो बहुत ही यमी होती है। जब भी आप पुणे सिटी आए, डू नॉट मिस दी शेगांव कचौरी। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं पुणे सिटी का टूर। हम बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं फूड ट्राई करने के लिए। सो चलिए आपको दिखाते हैं पुणे सिटी की बहुत सारी अच्छी फूड की ब्रांचेज और फूड की चीज़ें जो यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं। सो एंटायर सिटी बहुत ब्यूटीफुली से क्राफ्ट की गई है, अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। हम अभी आ गए हैं पुणे की बहुत ही फेमस प्लेस पे, बर्गर कैंप, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है बर्गर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बर्गर्स की वैरायटीज़ है और वो भी बहुत चीप प्राइस में, और ये बहुत फेमस है गाइस पुणे में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डू नॉट मिस दिस प्लेस एंड डेफिनेटली डू विजिट दिस प्लेस फॉर हैविंग अ यम्मी एंड डिलीशियस बर्गर्स। आप देख सकते हो कि बर्गर की प्राइस बहुत ही चीप रेट पे है। वेज बर्गर आपको 105 रुपये का है। पनीर बर्गर जो है यहाँ का सबसे छोटा बर्गर है, जो आपको 80 रुपीज़ में पड़ेगा। और सबसे बड़ा बर्गर जो है वो चिकन जंबो बर्गर है, जो आपको अराउंड 150 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। सो वी आर हियर एट द प्लेस व्हिच इज़ वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ बर्गर कैंप इन पुणे। सो गाइज, यहाँ पर भीड़ बहुत है और यहाँ पे जगह मिलना बहुत मुश्किल था। लकीली मुझे एक जगह मिल गई और जिसका व्यू भी बहुत अच्छा था। जो एंटायर प्लेस है उसकी वाइब आपको बहुत ओल्ड स्कूल जैसी आएगी। जो एंटायर प्लेस है बहुत टाइनी सी प्लेस है, बहुत छोटी सी जगह है, बट भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बर्गर का टेस्ट कैसा होने वाला है। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि कितने का मुझे पड़ा। ये 357 रुपीज़ में इतनी सारी डिशेस मुझे आ गई और बहुत चीप था मुझे लगा, और कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस से तो बहुत चीप था। अब देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। व्यू तो बहुत अमेजिंग था, खिड़की के पास वाला व्यू बहुत अमेजिंग है। अगर आप विजिट कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आपको ये सीट मिल जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्गर की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है और टेस्ट कैसा है। हम पूरा कुछ इस व्लॉग में रिव्यू करने वाले हैं। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो ये एंटायर प्लेस जो है काफ़ी रश था, आप देख सकते हो काफ़ी रश था और लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब उन्हें बर्गर खाने की टाइम मिले, और इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, और ये प्लेस इतनी फेमस है पुणे में कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल कम ओवर हियर टू हैव देयर बर्गर। सो दिखाते हैं आपको कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया और क्या टेस्ट था इस बर्गर का, सब कुछ हम रिव्यू करने वाले हैं। सो पहले मैंने ऑर्डर की फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज के साथ मैंने दो सॉस ऑर्डर की थी। तो एक जो सॉस है वो मेयोनीज मैंने ऑर्डर की थी और टोमेटो सॉस, जिसके बिना फ्रेंच फ्राइज मैं खा नहीं सकती। सेकेंड चीज़ मैंने ऑर्डर की थी एक जंबो चिकन बर्गर, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बर्गर है। और मैंने एक मिनी बर्गर ऑर्डर किया था जो कि वेज बर्गर है, जो कि पनीर मिनी बर्गर था। सो हम दोनों ही बर्गर ट्राई करके देखेंगे यहाँ का वेज और नॉन वेज बर्गर कैसा है। सो जो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेयोनीज उन्होंने भर भर के डाला हुआ है, और जो पैटी है, जो पनीर की पैटी है, वो भी काफ़ी क्रंची लग रही है। सो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ इसे डाइजेस्ट करने के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ली है, बिकॉज इतना सारा बर्गर खाने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ही है। दिस इज़ द चिकन जंबो बर्गर। सो आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज है, प्लस एक चिकन की पैटी दी हुई है, इसके साथ बहुत सारा सॉस और मेयोनीज डाला हुआ है। सो अब टेस्ट, और जो बन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट बन है यहाँ का। सो इतना सॉफ्ट बन तो मुझे कहीं खाया नहीं है, एंड आई थिंक लुक तो काफ़ी अच्छा रहा है, दिख तो काफ़ी अच्छा रहा है। अब खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ओवरऑल मिनी बर्गर एंड जंबो बर्गर दोनों यहाँ पे मैंने मंगवाए हुए हैं।
इसी के साथ साथ जो फ्रेंच फ्राइज़ थे वो काफ़ी क्रंची थे और मुझे यहाँ के फ्रेंच फ्राइज सीरियसली बहुत अच्छे लगे। अगर आपको कुछ फ्लेवरफुल फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करने हैं वो भी आप कर सकते हो। मैंने एक सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई किए थे जो यहाँ की डिश थी और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ट्राई करते हैं यहाँ का जो बर्गर है। सो मैंने पहले ट्राई किया पनीर बर्गर जो कि यहाँ का मिनी बर्गर है, सबसे छोटा बर्गर है गाइज ये, और देखिए लग नहीं रहा है छोटा है एंड इट इज़ रियली बिग, दिखने में काफ़ी बड़ा है। सो पहले बाइट के साथ आई वुड से दिस इज़ रियली वेरी यम्मी एंड टेस्टी, बहुत अच्छा बर्गर था। अगर आप इसकी पैटी की बात करो, देखिए पूरा पनीर से लोडेड है ये पूरा बर्गर और पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट एंड क्रंची है। सो उसके एजेस काफ़ी क्रंची है और अंदर आपको पनीर के इतने बड़े बड़े चंक्स दिख जाएंगे। एंटायर जो है वो आपको इतनी सारी टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ वेरी मच लोडेड विथ मेयोनीज एंड सॉसेस। सो आप हमेशा यहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू लेकर बैठे। और सीरियसली टेस्ट वाइज आई विल गिव इट 8 out of 10, बहुत अच्छा था। गिव इट अ ट्राई इफ़ यू आर इन पुणे एंड आई एम हैविंग माई कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज 3 bites के बाद ही आपको बहुत हैवी लगने लगेगा, इतना ज़्यादा हैवी था। ये चिकन बर्गर था, आप देख सकते हो इनसाइड पैटी कैसी थी, और चिकन बर्गर भी काफ़ी अच्छा था। सो अगर आप चिकन बर्गर के फ़ैन हो और आपको एक रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा कुछ खाना है, देन डेफिनेटली डू नॉट मिस इट दिस प्लेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू मिस दी बर्गर कैंप इन पुणे। और ये पैटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत क्रंची थी और इतनी ज़्यादा हैवी थी कि अगर आप ये एक बर्गर अगर आप पूरा खा लो आपको दिन भर भूख नहीं लगने वाली, ये गारंटी है, क्योंकि ये इतना लोडेड विथ पनीर, लोडेड विथ सॉस एंड लोडेड विथ सो मच स्पाइसेस था कि यहाँ पर एक बर्गर खाने के बाद आपको एंटायर डे पे भूख नहीं लगेगी। इट इज़ सो 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 गुड। सो डू नॉट मिस दिस प्लेस इन पुणे बर्गर कैंप। इसके बाद हम बहुत सारी और प्लेसेस कवर करने वाले हैं पुणे में। सो बताते हैं आपको कि और क्या क्या यहाँ की बेहतरीन प्लेसेस है पुणे में जो आपको ट्राई करनी चाहिए, जाना चाहिए और खाना चाहिए। सो हियर आई एम फिनिशिंग माय फूड एज क्विकली एज आई कैन, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था। सो इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पे जो कि बहुत ही फेमस है पुणे में अगेन, और आपको बताते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे कवर किया खाने के लिए। सो जो नेक्स्ट प्लेस है वो है जोगेश्वरी मिसल, जो कि यहाँ की दही मिसल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और मटकी भेड़ भी फेमस है। सो यहाँ पे बहुत सारी मिसल की प्लेसेस आपको मिल जाएगी, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस वन, सो हम यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली। छोटी सी टाइनी सी प्लेस है पर देखते हैं कैसी है। सो द नेक्स्ट प्लेस वी हैव कम ओवर हियर इज जोगेश्वरी मिसल, जो कि यहाँ पे हांदेवाड़ी में लोकेटेड है पुणे में और बहुत ही फेमस है। सो यहाँ की मटकी भेड़ भी फेमस है, मिसल भी फेमस है और सोलकड़ी भी फेमस है। सो आइए चेकआउट करते हैं कि यहाँ की मिसल पाव, पुणे की मिसल पाव कैसी है। सो फर्स्ट थिंग मैंने ऑर्डर की यहाँ की भेड़, जो मिसल भेड़ थी ये मैंने फर्स्ट टाइम खाई है गाइस, बिकॉज मुंबई में इस तरह की भेड़ नहीं मिलती और नॉर्थ में भी नहीं, तो ये डिफरेंट तरह की भेड़ थी मेरे लिए। और इसकी कॉस्ट थी अराउंड 70 rupees। 70 rupees में आपको बहुत अच्छी भेड़ इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ मैंने जो यहाँ की ट्राई की, जो यहाँ की फेमस है दही मिसल, तो ये दही मिसल जो है आप देख सकते हो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आई है, प्लस इसके साथ में इन्होंने क्यूट सी बाल्टी में मुझे बहुत सारा रस्सा दिया है जो कि मिसल के ऊपर आप डाल के खा सकते हो। बहुत तीखा था गाइस, सो अगर आप तीखा नहीं हैंडल कर सकते तो ट्राई कीजिए कि मीडियम स्पाइसी या लाइट स्पाइसी बोले, सो अकॉर्डिंगली आपको वो देंगे, अदरवाइज़ आप हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ की मिसल पाव इतनी तीखी होती है। इसी के साथ साथ उन्होंने मूंग दी है, दही दिया है एंड बहुत सॉफ्ट से पाव दिए है और प्याज दिया हुआ है। जो एंटायर मिसल है उस पर काफ़ी सी बारीक सी सेव, नायलोन की सेव दी हुई है। और अब हम खा के बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और डाली हुई है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रस्सा जो है वो डाला हुआ है, प्याज डाली हुई है और ऊपर जो है बहुत सारा फरसान डाला हुआ है, साथ ही साथ नायलोन की सेव डाली हुई है। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, इसी के साथ साथ जितनी क्वांटिटी में आपको ये रस्सा इसके साथ डालना है वो आप डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा जो है आप इसमें, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा नींबू इस पे डालें, अदरवाइज़ ये बहुत तीखा हो जाता है। और अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इन्हें बोले कि आप मीडियम या लाइट खाना पसंद करेंगे, उस हिसाब से आप लीजिए, अदरवाइज़ इट्स वेरी स्पाइसी गाइस। उसके ऊपर जो है ये इन्होंने मटकी दी हुई है, जिसे मूंग की मटकी कहते हैं, वो मैंने ली है और वो मैंने इस पे पोकी है। सो एंटायरली जो है फरसान, रस्सा और मटकी जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मैंने सॉफ्ट पाव के साथ में इसे ट्राई किया। Trying the mixer over here, how it tastes.
काफ़ी अच्छी है, स्पाइसी बहुत है। अगर आप स्पाइसी कम खाते हो तो स्पेशली यहाँ पे आके बोलो कि स्पाइसी कम आपको दे, अदरवाइज इट्स वेरी स्पाइसी। इसी के साथ साथ यू कैन एंजॉय दिस होल करी विच इज़ वेरी नाइस। सोल कड़ी बहुत अच्छी है, यू मस्ट ट्राई इट। यू कैन जस्ट पोर अ लिटिल बिट ऑफ दिस रसम इनसाइड दिस मिसल एंड जस्ट पोर अ लिटिल बिट ऑफ अ लेमन। Enjoy the mistle. This is called a bhel, mistle bhel, जो कि पुणे की बहुत फेमस होती है। I'm gonna try a little bit this as well. हमारी मुंबई की हिली जैसी नहीं है, बहुत सूखी भेल है। अंदर आपको मरमरा फरसान सुपर हूँ और बहुत हल्का सा मतलब यू नो फ्लेवर ऑफ चिली आपको दिखेगा और साथ में नींबू दिया हुआ है। तो नॉट अनलाइक आर मुंबई भेल बट इट इज़ द फेमस इन पुणे एंड इफ यू आर विजिटिंग इन जोगेश्वरी मिसल देन डेफिनेटली डू ट्राई इट आउट। द मिसल इज़ वेरी गुड, आई गिव अ गुड रेटिंग ऑफ इट। सोल कड़ी आई लव इट, सो मस्ट विजिट प्लेस, डू नॉट मिस इफ यू आर इन पुणे। सो गाइज, इस मिसल के साथ में मैंने एक सोल कड़ी भी ऑर्डर की थी जो कि यहाँ की बहुत फेमस है और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये डेफिनेटली ट्राई करना। ये एक तरह का छाछ जैसा या बटर मिल्क जैसा ही होता है बट इसमें कोकम एंड कोकोनट का फ्लेवर होता है और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर होता है और यहाँ की बहुत फेमस है और अच्छी लगती है पीने में। सो आप वो भी इसके साथ ट्राई करना। मैं दही के साथ भी मिसल ट्राई करके देख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तीखी लग रही है, थोड़ी तीखी तो लग ही रही है। सो ओवरऑल मिसल तो यहाँ की काफ़ी अच्छी थी और मिसल थाली काफ़ी कॉस्टली भी नहीं थी, 110 रुपीज़ के आसपास की ये थाली थी कुछ, और बाकी जो भेल थी उसकी कॉस्ट मैंने आपको 70 रुपीज़ बताई है। तो एक रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में है जो पुणे का फूड जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज़ सोल कड़ी। सो क्विकली जो है मैं अपना मिसल पाव फिनिश कर रही हूँ जो कि मेरा इवनिंग स्नैक है यहाँ का, और इसके बाद हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह पे जो कि पुणे में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है एटमॉस्फेयर 6, और यहाँ की जो नाइट लाइफ है पुणे की वो भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो खाना है वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं अच्छे रेस्टोरेंट का। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस, हियर इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द जोगेश्वरी मिसल। आप देख सकते हो एकदम छोटी सी टैनी सी दुकान है और आपको यहाँ पे इस तरह का जो है अंदर का जो है सिनारियो दिख जाएगा। यहाँ की कटिंग चाय बहुत अच्छी है, जब भी आप आओ डेफिनेटली ट्राई करो 10 रुपीज़ की 1 मुंबई कटिंग चाय, बट मुंबई की नहीं है, पुणे कटिंग चाय। सो आफ्टर फिनिशिंग माई कटिंग टी वी वेंट टू एटमॉस्फेयर 6 जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है पुणे में, और यहाँ के नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत हैपनिंग है। सो ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे से ये कबानास बनाए हुए हैं जो कि रोमांटिक डेट के लिए या बर्थडे पार्टी या किसी तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए आई थिंक परफेक्ट है, और ये कबानास मुझे बहुत पसंद आए, रियली लव्ड इट। एंड यू नो इफ माई बर्थडे इज़ देयर आई डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड टू सेलिब्रेट इट। इसी तरह से यहाँ पे ये बैठने के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, बहुत ही हैपनिंग जगह थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ का फूड कैसा है, यहाँ की फूड का टेस्ट कैसा है वो भी हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का विच वॉज रियली यम्मी एंड नाइस एंड जूसी, और उसके बाद मैंने ऑर्डर की थी चिकन बिरयानी विच वॉज रियली गुड। उसी के साथ साथ मैंने ऑर्डर किया था पास्ता, वेज पास्ता विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड और रिजनेबल प्राइस पर है गाइज, मतलब 2000 रुपये के आसपास आपका जो है एंटायर खाना यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक सिटी व्यू मिलता है, अच्छे कॉकटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, मॉकटेल्स भी अवेलेबल है, खाना भी अच्छा है। सो ओवरऑल अगर आपको पुणे में रेस्टोरेंट ट्राई करना है इवनिंग में देन डू नॉट मिस दिस प्लेस एंड डेफिनेटली विजिट द एटमॉस्फेयर 6। सो दैट्स इट गाइस, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट जितनी सारी प्लेसेस हो सकती थी पुणे की वो ट्राई की मैंने फिनिश करने की इस व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड लेट मी नो अगर आपको और पुणे के रिलेटेड फूड्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मैं आई विल मेक अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल। सो यहाँ का जो खाना है वो बहुत अच्छा था, हमने ट्राई किया, यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, हमने मज़े किए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पुणे सिटी।
पास्ता इज वेरी क्रीमी। सो दैट्स इट गाइज, वी हैव डन आर पुणे फूड टूर। कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट्स में आप बताइएगा, एंड मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।